छिंदवाड़ा में आज प्राजिया रोड पर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई थी, जो कि शहर का सबसे अधिक चलने वाला मार्ग है, जहां पर एक और नाली और दूसरी ओर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके कारण अक्सर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। लगभग 2:30 बजे जाम लग गया था, जहां पर एक एम्बुलेंस फंस गई थी। बड़ी मशक्कत कर एम्बुलेंस को निकाला गया तो कई राहगीरों को 1 घंटे तो कोई 45 मिनट तो कोई 30 मिनट से ज्यादा जाम में फंसे रहे। और स्कूलों की बसों में बच्चे परेशान होते रहे, ना तो निगम के कर्मचारी उपस्थित थे और ना ही यातायात की कोई व्यवस्था थी। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।